द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये तो बात की हैबिट एंड हैबिटेट की। अब हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं किसके बारे में, जंतु की शेप एंड साइज के बारे में। शेप कैसे पेलिमोन की, पेलिमोन जो है वो लगभग लंबा बेलनाकार बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड स्ट्रीम लाइन इसकी बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या हेल्प करती है, क्योंकि ये जल में रहता है तो जल के प्रति गति के प्रति कम से कम बॉडी रेजिस्टेंस हो उसमें ये जंतु की हेल्प करती है। दूसरी बात करें हम साइज की तो मैल्कम सोलाई जो इसकी स्पीशीज है, देखिए पेलिमोन की और भी स्पीशीज होती है तो इसकी साइज जो है स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। हम बात करेंगे मैल्कम सोलाई की तो इसकी जो ये स्पीशीज है ये लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, ये मैल्कम सोलाई जो स्पीशीज है ये हमारे मध्य भारत और तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। एक जाइंट जो पेलिमोन पाया जाता है, देखिए पेलिमोन का जो कॉमन नेम है इसको प्रॉन भी कहते हैं, तो एक जाइंट प्रॉन है जो केरला साइड में पाया जाता है जिसकी स्पीशीज है पेलिमोन कार्सिनस। ये जो स्पीशीज है ये लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और एक ड्वार्फ प्रॉन भी पाया जाता है जो कि लगभग संपूर्ण भारत के अंदर मिलता है, स्पीशीज है पेलिमोन लैमेली। ये जो स्पीशीज है ये इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2.5 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये तो बात हुई प्रॉन या पेलिमोन के शेप एंड साइज की। अब हम बात करते हैं इसकी कलरेशन की। कलरेशन यदि हम इसके अंदर देखें तो किस प्रकार का कलरेशन है इसके अंदर, देखिए जो यंग स्टेजेस हैं वो किस प्रकार की होती है, यंग स्टेजेस जो है वो ट्रांसल्यूसेंट व्हाइटिश कलर की होती है। लेकिन यदि हम एडल्ट फॉर्म की बात करें तो एडल्ट फॉर्म जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है जिसके अंदर कुछ ब्राउन और रेड कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अपर्चर। अपर्चर की यदि हम बात करते हैं तो अपर्चर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अपर्चर।